हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आपके लिए एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर लेकर के आया हूँ। अभी जैसे कि आपको पता है, एनवीएस का हमारा कोर्स चल रहा है और कॉमन पेपर का, जिसके अंदर आपके एनवीएस से रिलेटेड सारी चीज़ों को हम उसमें कवर कर रहे हैं। तो इसी में अभी हम टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर रहे थे और एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे हाथ लगी है। हो सकता है कि ये आपके बहुत काम आएगी। आइए मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको लेके चलता हूँ और उसके बारे में बताता हूँ कि ये जो एनवीएस का जो सिलेबस है वो क्या है और क्या हम पढ़ें कि ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इसमें स्कोर कर सकते हैं। आइए, अब आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये यूजीसी नेट का कॉमन पेपर, जो जनरल पेपर होता है, ये उसका सिलेबस है, और ये हमारे एनवीएस का दिया हुआ कॉमन पेपर का सिलेबस है। अब यहाँ पर भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड देख सकते हैं और यूजीसी पेपर, जो पेपर वन होता है, उसमें भी जो है टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। अब यदि आप सिलेबस को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है टीचिंग नेचर ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स। ये नेट का सिलेबस है और ये एनवीएस का सिलेबस है। इसमें देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग के अंदर नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स आप देख सकते हैं, सेम चीज़ वही है। फिर लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे भी लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, यहाँ पे भी फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। मैथड ऑफ टीचिंग, मैथड ऑफ टीचिंग। टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स। इवेल्युएशन सिस्टम, इवेल्युएशन सिस्टम। यानी कि अब आप अच्छे तरीके से यहाँ पर इस चीज़ को देख करके समझ सकते हैं कि एनवीएस ने सीधे सीधे यूजीसी नेट के सिलेबस को कॉपी कर लिया है। अब नेट के सिलेबस को उन्होंने कॉपी कर लिया तो आप ये समझ जाओ कि क्वेश्चन भी वैसे ही आएंगे, वहीं से इंस्पायर्ड क्वेश्चन होंगे। हो सकता है कि क्वेश्चन ये पहले की तरह थोड़ा आसान भी ले ले, लेकिन जब हमको सिलेबस का पता चल चुका है तो हो सकता है कि कंटेंट भी वहीं से निकालें, क्वेश्चन भी वहीं से निकालें। और यूजीसी नेट का तो आपको पता ही है कि हायर लेवल जो है सिलेबस होता है, तो अब इस सिलेबस के प्रिपरेशन के लिए मजबूती से काम करना जरूरी है, उसी हिसाब से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जरूरी है। और इस सिलेबस को देखकर कि ये भी लग रहा है कि क्या पता लास्ट टाइम जैसे क्वेश्चंस आए ना, रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन आए, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इन सभी चीज़ों के लिए एक एप्टीट्यूड होना जरूरी है और बेसिक कंटेंट की नॉलेज होना जरूरी है। मुझे पता है एनवीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे सभी साथी अपने सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और समय का थोड़ा अभाव है, इसीलिए कॉमन पेपर का हमारा जो कोर्स है, मेटा स्टेटिस्टिक्स एप्लीकेशन पर जाकर के आप एनवीएस का कोर्स एनरोल कर सकते हैं और इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। ये सारी क्लासेस स्ट्रिक्टली सिलेबस के ऊपर ही बेस्ड है और जब हम काम कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें पता भी चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद होगी और आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा बचेगा और इफेक्टिवनेस ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। तो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से आगे लेके चले। बाकी खबर आपको कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए। मेक श्योर कि आपने मेंटल स्टेटिस्टिक्स का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है और वहां पर आपने इस कोर्स के अंदर एनरोल कर रखा है। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय, ऑल द बेस्ट।